आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में पूछा हमें ये दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य इसके क्वांटम फोटोन के तरंग दैर्ध्य के बराबर है, यानी क्वांटम फोटोन के तरंग दैर्ध्य के बराबर है। तो पहले हमें ये देखना है इसमें इसका जो समय क्या होगा वो हम निकालेंगे यहाँ पे। तो पहले किसके लिए निकालेंगे? विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए। तो अगर मान लेते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण अगर होती है जो हमारी क्या होती है, जिसका वेग क्या होता है, एक तरह से सी वेग होता है, यानी प्रकाश के वेग से चाल क्या होती है उसकी, प्रकाश की चाल से गति करती है। तो अगर उसकी मान लेते हैं एक तरह से कोई हमारा इस तरह से कोई फोटोन आ रहा है या विकिरण आ रही है, और विकिरण की जो आवृत्ति है वो मान लेते हैं यहाँ पे न्यू है, यानी न्यू आवृत्ति है, तो इसकी जो फोटोन, इसकी जो ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक तरह से ई बराबर क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से एच न्यू हो जाएगी इस विकिरण की, ठीक है। अगर इसकी ऊर्जा एच न्यू है हमारी, ठीक है, और न्यू क्या है यहाँ पे हमारी आवृत्ति है, क्या है आवृत्ति। उसके बाद में देखते हैं आगे, तो आगे हम देखेंगे तो ये अगर यहाँ पे हम इसके लिए अगर फोटोन के संवेग की बात करें, यानी सॉरी इस विकिरण के संवेग की बात करें, यानी तो संवेग क्या हो जाएगा, विकिरण का संवेग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा जो हमें ऊर्जा का मान दे रखा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसकी चाल C है तो यहाँ से हो जाएगा E बटा C, ठीक है। E बटा C होगा तो E का मान अगर यहाँ रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक तरह से H न्यू बटा C। अब यहाँ से इसको आगे देखें तो जो हमारा जो ये क्या होता है, एक तरह से अगर विकिरण होती है उसकी आवृत्ति तथा उसकी तरंग दैर्ध्य का गुणनफल किसके बराबर होता है, हमारा प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर देखना चाहेंगे तो ये एक तरह से न्यू बटा सी बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा लेमडा, और एक बटा लेमडा अगर इसको मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, समीकरण नंबर एक दे दिया, तो यहाँ पे अगर देखूंगा तो समीकरण एक में न्यू बटा सी का मान रखने पर, तो यहाँ से इसमें मान रखेंगे रखने पर तो हमारा यहाँ से इसमें मान रखेंगे तो पी बराबर हो जाएगा एक तरह से एच बटा लेमडा, ठीक है। एच बटा लेमडा, अगर लेमडा बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो गया, एच बटा पी हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा किसके लिए, विकिरण के लिए। अब फोटोन की बात करेंगे तो फोटोन क्या है, अगर उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के साथ अगर देखेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अगर फोटोन हमें लेमडा बराबर क्या होती है हमारी, तो यहाँ पे अगर देखेंगे डी ब्रोगली वेव जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ बोलते हैं सॉरी इंग्लिश में, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, यहाँ से तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली के सिद्धांत से, अगर डी ब्रोगली के सिद्धांत से देखेंगे तो लेमडा बराबर क्या होता है हमारा, एच बटा एम वी होता है। एम क्या है उसका, अगर कोई भी कण हमारा उसका द्रव्यमान तथा वी क्या है उसकी वेग है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें तो एम वी बराबर एच बटा क्या हो गया हमारा एम वी, और पी बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ से संवेग होता है पी बराबर एम वी, ठीक है। तो एक तरह से ये लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एच बटा पी, ठीक है। तो ये समीकरण अगर दो मानता हूँ, इस समीकरण को मैंने क्या मान लिया, तीन मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, दोनों समीकरण क्या आ रही है हमारी, एच बटा पी और एच बटा पी की। तो इस तरह से हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि समीकरण दो व तीन से विकिरण की तरंग दैर्ध्य तथा फोटोन की तरंग दैर्ध्य बराबर है, और यही हमें क्या दिखाना था यहाँ पे, इसमें दर्शाना था, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रश्न हल हो गया। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।